इंसान से ना जाने क्या क्या करवा ले। कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज है और उसका सबूत देखने को मिला पंजाब में। नमस्कार, मेरा नाम है नौशीन और आज हम आपको ऐसे ही एक केस के बारे में बताने जा रहे हैं। पंजाब के क्रिस सिंह ने अपनी गर्लफ्रेंड की मदद करने के लिए कुछ ऐसा कर दिया जिसने उसकी गर्लफ्रेंड की भी मुश्किलें बढ़ा दी। हुआ ये कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में एक लड़का लड़की के बीवी में एग्जाम देने के लिए पहुंचा। उसने सलवार सूट पहना हुआ था, यहाँ तक कि बिंदी लिपस्टिक और इतना ही नहीं आर्टिफिशियल हेयर भी लगाए हुए थे। बताया जा रहा है कि अंग्रेज से परमजीत कौर की जगह पेपर देने के लिए पहुंचे थे और इतना ही नहीं पुलिस के अकॉर्डिंग उन्होंने ये साबित करने के लिए कि वही परमजीत कौर है उन्होंने फेक वोटर आईडी आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हुए हर तरह के प्रयास किए। सब उनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था लेकिन बायोमेट्रिक पर फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए इस कारण वो पकड़े गए। उसके बाद ये जल्द ही पता चल गया कि अंग्रेज सिंह ने लड़की के रूप में कपड़े पहने हुए हैं और वे अपनी गर्लफ्रेंड की जगह एग्जाम देने के लिए आए हैं। वहीं एडमिनिस्ट्रेशन परमजीत कौर की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। इस बीच अंग्रेज सिंह के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। पुलिस ने अंग्रेज सिंह को हिरासत में ले लिया है। साथ ही पुलिस ये भी जाँच कर रही है कि कहीं अंग्रेज सिंह ने किसी अन्य की परीक्षा इससे पहले ऐसे ही नहीं करवाई है। कि बाबा फरीद हेल्थ यूनिवर्सिटी जो फरीदकोट में स्थित है वो ANM नर्सिंग का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, तो वहाँ वो DAV जो स्कूल सिखा वाला फरीदकोट में कोटकपुरा में पड़ता है, वहाँ पे एक जो लड़का है वो लड़की बन के आया, यानी कि असली जो एग्ज़ाम जिसका था वो एक लड़की थी, तो उसको जो वहाँ के इन्विजिलेटर्स हैं उन्होंने पकड़ा है और उसके ऊपर एक FIR रिटन कंप्लेंट के पर दर्ज कराई है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया।